नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। देखिए, जैसे कि आरआरबी जेई की जो रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, आरआरबी भोपाल की मैंने वेबसाइट यहाँ पे खोल रखी है और क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलती कर चुके हैं फॉर्म भरते समय तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से सीरियसली लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम नीचे आते हैं आरआरबी भोपाल की वेबसाइट में, तो देखिए 24 तारीख को नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सीन नंबर 03/2018। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24 तारीख का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू नोटिस ऑन चॉइस ऑफ एग्ज़ाम लैंग्वेज। ठीक है, आप एग्ज़ाम लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि भाई क्लिक हेयर टू डाउनलोड द लॉगिन चेंजेस एंड एग्ज़ाम लैंग्वेज सीएट नंबर 3/2018। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ भाई कि दो अगर आपने फॉर्म भरते समय ये गलती कर दी है अगर, तो आप इसको बिल्कुल भी दोहराएं नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से अभी आपके एक्टिवेट हो चुकी है, लिंक भी एक्टिवेट हो चुकी है, लगभग 10 बजे यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, और 5 मतलब ये रहेगी आपको 1 तारीख तक ये एक्टिवेट रहेगी, उसके बाद आपके पास कोई चांसेस नहीं रहेगा मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके दिखा दूँगा आखिरकार उसमें क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आपको वहाँ से मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है अगर आपने इस तरह की गलती करी हुई है। देखिए ये हमने ओपन कर लिया अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ बने रहिए मेरे साथ, यहाँ पे स्टडी आइकन में आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप बिल्कुल दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर लें। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने खुल गया है, थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एग्ज़ाम चॉइस ऑफ एग्ज़ाम लैंग्वेज। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, आपको यहाँ पे एग्ज़ाम लैंग्वेज का चूज़ करना है, जो भी आपकी एग्ज़ाम लैंग्वेज आपने गलत सेलेक्ट की है। यहाँ पे लगभग 15 लैंग्वेजों में से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, और साथ में आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। तो देखिए सारे नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इन टीम टू गिव अपॉर्चुनिटी टू चेंज द चॉइस ऑफ एग्ज़ाम लैंग्वेज। ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, एग्ज़ाम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, और कब से कब तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगी, 10 बजे से लगभग 24 तारीख से स्टार्ट होगी और ये 1 तारीख तक आपकी रहेगी, 24 से 1 मई तक रहेगी और ये 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इससे पहले आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, नीचे लिखा हुआ कि भाई आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी। नहीं, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहेगी, और साथ में आपको एक चीज़ बताया गया कि भाई अगर आपकी जो आपकी चूज़ की हुई लैंग्वेज है उसमें से अगर क्वेश्चन जो आपकी चूज़ की हुई लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपकी मराठी लैंग्वेज चूज़ की हुई है, अगर उसका क्वेश्चन गलत है और इंग्लिश में क्वेश्चन सही है तो आपका इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसी तरह से आप नोटिफिकेशन भर सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपने अभी तक इसको मॉडिफाई नहीं किया या कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करने में गलती कर दी, तो आप बिल्कुल इसको सिलेक्ट कर लें और सही से तरीके से इसको आप भर दें। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ, मैं आप चलते हैं पीछे, देखते हैं वहाँ से नोटिफिकेशन में किस तरह से यहाँ पे एक्टिवेट है आपके लिंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में आ गए हैं फिर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अभी तो मैंने आपको नोटिफिकेशन पूरा बताया ऑफिशियल वेबसाइट में। आप देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन टू चेंज द एग्ज़ाम लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन की देखिए डेट दी हुई है, 24 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में आपको लॉगिन करना है, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में। तो हम लॉगिन करके देखते हैं यहाँ से। तो देखिए इस तरह से नया पेज खुलेगा आपका, आपको इस तरह से करना है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पल पल के अपडेट के लिए चाहते हैं आरआरबी जेई एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी एग्ज़ाम है सारी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले दी जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, ये नीचे आप आएंगे तो नीचे जैसे ही आप देखें यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू कन्फर्म मॉडिफाई। देखिए थोड़ा सा इसको ट्रैक करता हूँ मैं ऊपर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू कन्फर्म मॉडिफाई और एग्ज़ाम लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट भी दी हुई है, सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया। तो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से पेज यहाँ पे एक्टिवेट है। आपको यहाँ पे अपना जोन सेलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इलाहाबाद जोन है या भोपाल जोन है, तो हम भोपाल जोन को सिलेक्ट करेंगे, आगे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा कोड डालना है, और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म
फिल हो जाएगा और आपकी वहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस आपको करना है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।